खबर हाउस विलम शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कभी कभार हम कहते हैं कि हमारे पास डेटा है फ्लैश ड्राइव में या मेमोरी कार्ड में, पर वो शो नहीं होता। लेकिन मेरे पास ये फ्लैश ड्राइव है, मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इसमें आपको देख के नज़र आ रहा है ना, डेटा है। पर अगर हम फ्लैश ड्राइव को ओपन कर लें तो वहाँ पर डेटा नहीं होगा, यानी सिंपली एक शॉर्ट सा फोल्डर है, सही है। और मुझे डेटा चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, तो उसके लिए मैं शो हिडन फाइल करूँगा। आल्ट को होल्ड रख लूँगा, टूल्स में, फोल्डर ऑप्शन में, व्यू में, शो हिडन फाइल तो है ना, ये लिखा है हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास ये जो फाइल्स है शॉर्टकट वायरस आज कराए हैं, इस वजह से ये हो जाता है। अक्सर लोग मेमोरी कार्ड या फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर में कनेक्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सारा डेटा हाइड हो जाता है, तो आपने ये अनचेक करना है। हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आप अनचेक कर लें तो देखें। और ये शो हिडन फाइल तो अपनी जगह पर रहेगा। बाज लोग इसको शो कर भी देते हैं पर इसको नहीं हटाते, तब भी डेटा शो नहीं होगा। रिप्लाई ओके, देखें आपके साथ अभी डेटा शो होगा। अभी आपने इसको अनहाइड करना है, तो अगर आप देख लें प्रॉपर्टी में भी क्लिक कर लें तो अनहाइड क्लिक शो नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, चलो मैं इसको एक नाम ए दे देता हूँ। मैंने रन में सीएमडी लिख लिया। अभी देखिए आपके साथ ये जो यूएसबी है किस नाम से है, एच के नाम से। तो आप एच लिख के कॉल एंड लिंक के एंटर कर लें, फिर लिख लें एट्रिप स्पेस माइनस एच मीन अनहाइड माइनस एस मीन सिस्टम फाइल। और मैंने कंप्यूटर को कहा ए, यानी एच में जो आपकी एट्रिप एट्रीब्यूट नज़र आ रही हैं उसको अनहाइड कर दें सिस्टम वाले फाइल को, और वो फोल्डर किस नाम से हैं, ए के नाम से, एंटर कर लें। तो देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे आप अपना डेटा सही कर सकते हैं, पहले रिनेम कर लें उसके बाद सही, इससे आप अपना पर्सनल डेटा फिर सही कर सही।